प्रदर्शन कर बोले किसान सहकारी समिति कर्मचारी कर रहे हैं धांधली। आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के बैनर तले दर्जनों किसान साधन सहकारी समिति कोयला के गोदाम के पास एकत्रित हुए और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए प्रदर्शन किया। जी क्या मामला? जी मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस समय साधन सहकारी समिति कोयला का एक गोदाम है जो चमरुआ में स्थित है। इस गोदाम में क्या या सोसाइटी में पूरी में जो लोग तैनात हैं वो काफ़ी समय से तैनात हैं और यहाँ के लोकल के लोग हैं वो, तो जो अपने उनके ख़ास किसान हैं उनको उन्होंने खाद दिया। ये किसानों को नहीं देकर मेरे हिसाब से तो उन्होंने जो खाद माफिया हैं, जो गैर लाइसेंसी खाद माफिया हैं, उन्होंने 500 से 600 700 रुपये तक का कट्टा बेचा है और किसान को खाद नहीं मिला। और यहाँ के दो बड़े बड़े गांव पड़ते हैं चमरौआ लालू नगला, जो कि कई हज़ार हेक्टेयर भूमि यहाँ पर किसानी करते हैं खेती, तो उन लोगों को यूरिया खाद ब्लैक में मिला है। तो हमने कई बार एआर कोऑपरेटिव से भी मुलाकात की है, इस समय इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से भी की है, क्योंकि ज़िले में लगभग जो भी अधिकारी आते हैं उनको 3 साल से ज़्यादा एक ही पद पर एक ही जगह बने रहने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूँ कि इस कोयला सोसाइटी में जो चंद लोग हैं वही के वही सोसाइटी में सीमित मतलब काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो भरपूर तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये चमरौआ और लालू नगला और ख़ास करके मोमिनपुर अहमदाबाद तराना, क्योंकि ये कोयला से दूर पड़ते हैं गांव, तो इस वजह से यहाँ के किसानों का सबसे ज़्यादा शोषण होता है। तो हमारी एआर कोऑपरेटिव से और सरकार से ये मांग है कि इन समिति कर्मियों को यहाँ से हटाया जाए और ईमानदार समिति कर्मी जो दूसरे जगह के हैं वो उनको लगाया जाए। इस समिति के अंदर जो काम गांव आते हैं उन गांवों का कोई भी कर्मी इस समिति में ना लगाया जाए और ख़ास करके चमरौआ जो गोदाम है ये, इसमें खाद की उपलब्धता बनाई रखी जाए, इस पर एक दाना यहाँ पर नहीं लाए। और जबकि इन्होंने दर्शाया है कि हम बहुत ज़्यादा खाद हमारे पूरे सोसाइटी से बांटा गया है, लेकिन अगर इनकी जब POS मशीन और चेक द्वारा जब चेक किए जाएंगे तो इन्होंने चंद किसानों के नाम पर बड़े पैमाने पर खाद माफियाओं को खाद बेचा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्दी एआर कोऑपरेटिव से मुलाकात करके और इन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। अगर नहीं होती है कार्रवाई तो बेमियादी धरना देकर एआर कोऑपरेटिव के कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।